नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ब्लॉग्स टू मेक थिंक में मैं इशिता आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक आप सबके लिए ध्यान से सुनने का विषय है, तो चलिए शुरू करते हैं। त्योहार में रखें अपनी खुशियों का ख्याल, ये चाइनीज मांझा ले सकता है आपकी जान। चाइनीज मांझे से रहें सावधान, क्योंकि आपकी इससे जान भी जा सकती है। हो गए ना शौक? जी हाँ, मुझे भी सुनकर ऐसे ही शौक लगा था जैसे अभी आपको लगा। अगर पतंगे उड़ाना है आपकी पसंद और मकर संक्रांति में पतंगबाजी में आपको बनना है नंबर वन, तो चाइनीज मांझे से हो जाइए सतर्क। आइए बताते हैं आपको कि आखिर ये चाइनीज मांझा क्या है। पतंगबाजी का मजा तभी आता है जब आपस में उन्हें लड़ाया जाए, जिसमें सबसे अहम भूमिका मांझा निभाता है। मांझा वो डोर होती है जो सालों से पतंग काटने के काम आ रही। जो लोग पतंगबाजी का शौक रखते हैं, उन्हें तो ये बेखूबी पता होगा कि मांझे की जरूरत कितनी होती है कि नहीं। हर साल मकर संक्रांति का त्योहार बड़ी धूमधाम से हमारे देश में मनाया जाता है। साथ ही उसी दिन अलग अलग राज्यों में पतंग प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती है। पतंगबाजी महोत्सव को किसानी त्योहार भी कहा जाता है, जो कि सारे किसान कटाई के सफलता पूर्वक खत्म होने के बाद एकजुट होकर यह त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। अलग अलग ढंगों से मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। कहीं कुछ लोग गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों में स्नान करके इस दिन को मनाते हैं, तो वहीं कुछ लोग इस दिन भूखे गरीब लोगों को कपड़े बर्तन या दान पुण्य करके इस दिन को खुशी से मनाते हैं। ज्यादातर लोग हवा में पतंग उड़ाकर इस त्योहार की गरिमा में चार चांद लगाते हैं। भोजन तो हर त्योहार में जरूरी होता है, तो भला इस त्योहार में कमी कैसे। मकर संक्रांति में विशेष भोजन तैयार किया जाता है, जैसे कि तिल के लड्डू, दाल पकौड़ी, गाजर का हलवा, फीनी, गजक इत्यादि। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने का खास महत्व है। आसमान में ऊंची उड़ती पतंग हमारे ऊंचे हौसलों को दर्शाती है। पतंगबाजों को बरेली का मांझा बहुत पसंद होगा। क्यों? बरेली के मांझे की अलग ही बात है और वो सालों से पतंगबाजों के दिलों में राज करता आ रहा है। अलग अलग रंगों की डोर से बने मांझों को बारीक कांच लगाकर तैयार किया जाता है। सालों से यही मांझे लोगों की पसंद बने हुए हैं, पर अब इस मांझे को पड़ोसी देश से आया चाइनीज मांझा कड़ी टक्कर दे रहा है। नायलॉन की बनी चाइनीज डोर बाजार में आने लगी है, जो आसानी से टूटती नहीं है। आइए चाइनीज मांझे से जुड़ी दो सबसे बहुमूल्य बातें आपको बताते हैं। पहली कि इन मांझों से आपको लग सकता है करंट। जी हाँ, चाइनीज मांझे मजबूत होने के साथ साथ सस्ते भी हैं, जिसकी वजह से लोग इसको खरीदते हैं। पर ये मांझा खतरनाक भी है। दरअसल ये मांझा प्लास्टिक से बना होता है और इस पर लोहे का बुरादा लगा होता है। यही बुरादा अगर बिजली के तार पर लग जाए तो आपको जोरदार करंट भी लग सकता है। दूसरा, इससे कट सकता है आपका गला। किसी के गले में फंसने से उस इंसान का गला इससे कट सकता है। आपको बता दें कि अगर आप भी इस सस्ते चाइनीज मांझे का इस्तेमाल अपनी पतंग में कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी जिंदगी खतरे में है। आप अपने साथ साथ दूसरों की जान में खतरे में डाल रहे हैं। कानून के हिसाब से इस तरह के जानलेवा मांझे से पतंग उड़ाना ही नहीं, बल्कि मांझे को बेचना भी अपराध है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की धारा 5 के तहत इस तरह के मांझे का इस्तेमाल करना आपको 5 साल की सजा और 1,00,000 रुपया तक का जुर्माना हो सकता है। आपको समझना होगा कि आप किस खतरे से खेल रहे हैं, खासकर कि बच्चों को इन बातों के लिए सावधान करिए। कोशिश करें कि सादी डोर से पतंग उड़ाकर त्योहार का आनंद उठाएं, ताकि किसी की जान खतरे में ना जाए। इसके इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से कानूनी प्रतिबंध लग गया है, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए उचित नहीं। लेकिन कई राज्यों में कानूनी रूप से बंद होने के बाद भी इस मांझे का उपयोग पतंगबाजी में किया जा रहा है। देश में कई बेमान कानून के विपरीत काम कर रहे हैं।
हर व्यक्ति थोड़े से मुनाफे के लिए सिस्टम को तोड़ देता है। चाइनीज मांझे का कोई तय मूल्य नहीं होता, साथ ही इसकी डिलीवरी करने वाले को ही मुंह मांगी कीमत मिल जाती है। फुटकर बाजारों में इस तरह के मांझे काफी डिमांड में है, ऐसे में ये चोरी छिपे खूब बिकता है। आपको तय करना है कि आपको अपनी जान प्यारी है या नहीं। त्योहार में इस तरह के घातक कदम उठाना आपको ही नहीं, आपके पूरे परिवार को संकट की घड़ी में डाल सकता है। आप लोग समझदार हैं और अपना उचित अनुचित जानते हैं। आशा करती हूँ कि चाइनीज मांझे को त्याग कर आप मकर संक्रांति पर सावधान रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। आप सबको हमारे चैनल की तरफ से मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।